वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 13, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 चली हुई हमारी। जो पिछले यदि मैं चार लेक्चर की बात करूं, तो उसमें हमने पहला जो लेक्चर था, पिछले चार की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें हमने पढ़ा था एक सर्किट जो रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा हो, सेकेंड हमने किया एक सर्किट जो इंडक्टेंस हो, फिर हमने कैपेसिटर वाला किया, उसके बाद एक कैपेसिटर के बाद हमने जो किया, जो लास्ट हमारा लेक्चर था, उसमें एलसीआर सर्किट तीनों हमने एक साथ स्टडी किए। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। किसके लिए रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, हम पावर निकालने वाले। अब आगे जो चार लेक्चर चलने वाले हैं वो सेम पिछले वाले की तरह, क्या पहले पावर निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए, मीन्स यदि मैं बात करूँ लेक्चर 13 क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 EMI। चला बाबा, कहने का मतलब क्या है भाई, पावर निकालने वाले अभी वही सेम चारों के लिए। पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए, फिर इंडक्टर के लिए, फिर कैपेसिटर के लिए, और लास्ट में हम निकालेंगे उन्हीं चारों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, और नॉन इंडक्टिव सर्किट। कि हम भाई पावर निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं पावर, एक सर्किट हमारे पास जो खाली क्या कंटेन कर रहा हो रेजिस्टेंस, उसके लिए हमें पावर निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, पहले यदि डेफिनेशन वाइज लिखें हम, तो पावर इन ए एसी सर्किट एट any instant of time may be defined as the power of as the product of instantaneous EMF and करंट। प्रोडक्ट होता है भाई पावर, यदि यहाँ पे हम निकालेंगे, आपको पता, वैसे हम यदि पावर की बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट वर्क डन अपॉन टाइम, पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या होती है, प्रोडक्ट होगी किसकी, ईएमएफ और करंट की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, वी नो दैट For a circuit containing
रेजिस्टेंस ओनली, ईएमएफ एंड करंट ट्रैवल विद सेम फेज. सो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी. दोनों क्या है भैया हमारे पास बराबर है. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम डी टी इज, या भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की जगह पे हम एक चीज और लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वर्क डन इन टाइम टी डी टी इज गिवन बाय डी डब्ल्यू बाई डी टी. कहने का मतलब वही है कि पावर की वैल्यू भाई हमें पता है, ठीक है. डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई आई, ये पावर होती है हमारे पास और पावर ई आई के भी इक्वल हो डी डब्ल्यू बाई डी टी. रेट ऑफ डूइंग वर्क मैंने आपको बताया था अभी भी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हमारे पास क्या होता है, पावर ही होता है. पी इज इक्वल टू ई आई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी. अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, इंटीग्रेशन चलने वाला है थोड़ा लंबा इसमें, तो हम इसकी ज़रूरत है नहीं अभी हमें. वे दो इक्वेशन आई है हमारे पास क्या, कि P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है. अभी इसको रहने देते हैं. एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली, यहीं पे रहने दो. सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय इंटीग्रेशन. वर्क डन इज इक्वल टू जीरो से टी ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ई नोट आई नोट बार जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. अब हमें पता है भाई साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं होता, तो ई नोट आई नोट वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू डी टी, ठीक है. ई नोट आई नोट इंटीग्रेशन जीरो से टी वन डी टी माइनस ई नोट वन बाई टू है भाई, टू को हमने अलग अलग अपॉन में लिख दिया ई नोट, या फिर टू को हम बाहर ही लिख देते अपॉन टू. ई नोट आई नोट अपॉन टू कोस टू ओमेगा टी. वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू
इसका क्या होगा, डी टी का टी जीरो से टी माइनस ई नोट आई नोट बाई टू, कोस का क्या हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा और लिमिट जीरो से टी। इसमें लिमिट पुट करेंगे ई नोट आई नोट बाई टू इंटू टी माइनस ई नोट आई नोट बाई टू साइन टू, इसमें भाई टू ओमेगा और बाहर लिख देते हैं तो कितना हो गया फोर ओमेगा, लिमिट पुट करेंगे टी माइनस भाई इधर जीरो भी आएगा, दोनों लिमिट पुट करके दिखा दी टी भी और जीरो भी इसके अंदर। माइनस का सिंबल ये एज इट इज ये नीचे वाला लिख दिया, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे साइन टू इंटू ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी इंटू टी की जगह पे टी माइनस साइन जीरो, ये दोनों कैंसिल। पहले भी बताया साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो होगी, ई नोट आई नोट बाई टू टी माइनस ई नोट आई नोट बाई फोर पाई इंटू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू जीरो होगी भाई, ये कंप्लीट वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट टी बाई टू, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं टी को इस साइड लेके आ सकता हूँ, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, टाइम को मैं इधर लेके ई नोट आई नोट बाई, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू ई नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमें पता है ये वैल्यू किसकी होती है भाई, ई नोट बाई रूट टू, और ये होती है हमारे पास ई वर्चुअल की, और ये किसकी वैल्यू होती है आई वर्चुअल या आई इफेक्टिव और ई इफेक्टिव की, हमारे पास ये दोनों वैल्यू होती है। ठीक है, पहले पढ़ी हमने, तो हम क्या लिखेंगे कि एक लाइन और बच गई वो मैं और बता देता हूँ, पहले समझ लो चलो इतना, एक बार दोबारा बता देते हैं कि किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन किया है, उसके बाद हम इसमें आगे कर लेंगे। तो भाई ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है, डी टी को हम इस साइड ले आए, ये रिजल्ट आ गया, इसको एज इट इज लिखा हमने। अब हम इंटीग्रेशन करवा रहे कंप्लीट साइकिल पे, तो पहले तो एज इट इज लिख दिया ये वाला इक्वेशन, ई नोट आई नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर साइन स्क्वेयर लिख दिया, साइन स्क्वेयर का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं करवा सकते, इसलिए हमने इसको कोस की फॉर्म में चेंज किया। कोस की फॉर्म में लिखने के बाद अलग अलग लिख दिया, जो टू अपॉन में था वो दोनों जगह नीचे लिख दिया हमने, क्लियर यहाँ तक। वन है, वन का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टी लिमिट जीरो से क्या पुट करते हमने टी, इधर भी भाई लिमिट जीरो से क्या आएंगी टी, ठीक है। अब ये ई नोट जो बाहर था वो दोनों के साथ लिख दिया हमने अलग अलग, अलग अलग लिखने के बाद कोस टू ओमेगा टी का हो गया साइन टू ओमेगा बाई टी, सॉरी साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा हो गए। अब इसमें अलग अलग हमने लिमिट पुट कर दी, पहले इसकी जगह पे टी लिखा, फिर हमने जीरो लिख दिया, जीरो रखने के बाद कंप्लीट वैल्यू जीरो होगी, टू और ये टू मल्टीप्लाई करके फोर ओमेगा हमने बाहर लिख रखा है। टी है, लिमिट पुट की जीरो हटा दिया, टी एज इट इज आ गया, ये रिजल्ट आया फोर ओमेगा, साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी जीरो। क्या बचेगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट टी अपॉन टू, टी को हम उधर लेके चले गए, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू, पावर की वैल्यू क्या आएगी भाई, जो अपॉन में टू है हमने इसको दो जगह डिवाइड कर दिया रूट टू और रूट टू में, ठीक है। अब ये वैल्यू आएगी ई वर्चुअल की, ये आएगी आई वर्चुअल की, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हैंस एवरेज पावर
ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज एज द प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल EMF एंड वर्चुअल करंट कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वर्चुअल EMF और वर्चुअल करंट EV IV का जो प्रोडक्ट है उसको ही हम क्या बोलते हैं एवरेज पावर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई, जिसके अंदर हमने एवरेज पावर फाइंड आउट किया है। किसके लिए फाइंड आउट किया है? एक सर्किट जो केवल क्या कंटेन कर रहा था हमारे पास रेजिस्टेंस। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज पावर किसके लिए एक सर्किट जो क्या कंटेन कर रहा हो केवल इंडक्टेंस। थैंक यू।